पहले राउंड के राजौरी के सारे जो है मतदान जो है वो अपने सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि थाना मंडी की बात करें तो थाना मंडी में जो है मुजफ्फर इकबाल इस वक्त काफी हैवी लीड में है, 4134 वोट उनको मिले हैं और कांग्रेस को वहां पे 770 है और बीजेपी को 651 वोट है और पीडीपी को 266 वोट है। वही राजौरी की बात करें तो राजौरी में जो है कांग्रेस को 1778 वोट है और बीजेपी को 1699 वोट है। कालाकोट में जो है बीजेपी के 1617 वोट हैं और एनसी के 2198 वोट हैं। वहीं नौशहरा में जो है एनसी को 4424 वोट मिले हैं और बीजेपी को जो है 1627। बुदल की बात करें तो बुदल में जो है 4856 वोट जावेद इकबाल चौधरी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं और बीजेपी के जुल्फिकार अली को जो है 974। अब मैं शॉर्टकट में आप लोगों को सीधा सीधा समझाता हूँ। बुदल में इस वक्त एनसी लीड कर रही है, नौशहरा में भी एनसी लीड कर रही है, कालाकोट में भी एनसी लीड कर रही है, राजौरी में भी कांग्रेस लीड कर रही है और थन्ना मंडी की बात करें तो वहां पे इंडिपेंडेंट मुजफ्फर इकबाल जो है वो लीड कर रहे हैं। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, खबर को शेयर करना, हर एक तक पहुंचाना। सबसे पहले अर्ली टाइम्स में पांचों असेंबली के रिजल्ट आप लोगों के सामने।